आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर बीसी की आखिरी बार की गई अपील का भी कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट्स किसी भी सूरत हाल में क्लास करने व एग्जाम देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आज भी यूनिवर्सिटी में 6 फैकल्टी के एग्जाम होने थे, मगर बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए छात्रों ने बीसी व रजिस्ट्रार के रिजाइन की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए दो टूक कहा कि जब तक इन दोनों का रिजाइन नहीं होगा तब तक परीक्षाओं व क्लास का वायकॉट जारी रहेगा। इस दौरान स्टूडेंट्स ने जनरल बॉडी मीटिंग में कैंपस में आयोजित की, जिसमें क्लासेज व एग्जाम को वायकॉट करना ही प्रमुख निर्णय रहा। विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने कहा कि हम लोगों ने जीवीएम की थी, जिसमें यह निर्णय निकला है कि जब तक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग तब तक ना तो क्लासेस करेंगे और ना ही परीक्षा देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बीते 15 दिसंबर को पुलिस ने कैंपस में घुसकर जो बर्बरता दिखाई है, लड़कों के हाथ भी फट गए हैं, स्टूडेंट्स को पीटा गया, फर्जी तरीके से उन पर मुकदमे लिखे गए, उसके बाद जबरन हॉस्टल खाली कराए गए और अब जब स्टूडेंट वापस आ गए हैं तो उन सभी की यही मांग है कि जब तक रजिस्ट्रार व बीसी अपना रिजाइन नहीं दे देते तब तक हम लोग क्लासेस व एग्जाम का बहिष्कार करते रहेंगे। हम बीसी साहब की वजह से यहाँ नहीं है, बल्कि बीसी साहब हम स्टूडेंट्स की वजह से यहाँ पर हैं। अलीगढ़ से संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, वी ऑलवेज बिलीव इन द डेमोक्रेटिक फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऑल सेक्शंस ऑफ द एएमयू कम्युनिटी, वेदर वी आर टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, दे हैव फुल राइट टू कंडक्ट peaceful protests on any issue which they feel is unlawful. As an academic institution, we have full right to argue, discuss and give dissent if required. वीडियो जो आपने जैसा साथ में अपलोड किया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज मेडिसिन संकाय, इंजीनियरिंग संकाय, सोशल साइंस संकाय और आर्ट संकाय और दूसरी जगहों पर विधिवत रूप से क्लासें हुई और हम उम्मीद करते हैं कि दो दिन के अंदर ये स्थिति जो है और सामान्य हो जाएगी। कल वाइस चांसलर साहब इंजीनियरिंग में गए थे और आज वाइस चांसलर साहब ने फिर एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा है कि जो 15 दिसंबर को हुआ उस पर वो खेद व्यक्त करते हैं, उन्हें अफसोस है, जिन लोग बच्चों के चोटें लगी हैं उसके लिए वो पूरी हमदर्दी का इजहार करते हैं और वो छात्रों को ख़ास तौर से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर वो ऐसा वातावरण कायम करने में सहयोग प्रदान करें जहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, आपसी सहयोग के साथ विश्वविद्यालय को चलाया जा सके और बाहरी फोर्स की जरूरत ना पड़े, खुद हमारे पास जो अपनी अंतरिम सुरक्षा है उसका हम इस्तेमाल करें। ये वाइस चांसलर की अपील आज जारी हुई है और आज काफ़ी विश्वविद्यालय के अंदर स्थिति सामान्य होती जा रही है। जो सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर है, बड़ी तादाद में लड़के कक्षाओं को में आने के लिए और परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में अभी एक डीन के सभी संकायों के डीन के साथ भी मीटिंग होगी, जिसमें सर आज क्लास वाइकट भी की गई है, एग्जाम कुछ की गई है, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, अब शुरुआत हुई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि दो दिन में ये सब चीज़ें समान हो जाएगी और जो परीक्षाएँ थी उनकी डेट फिर बदली जाएगी। उसको सर वाइस चांसलर साहब ने इतनी लेट क्यों सर, क्या ये खेद जताया सर उन्होंने? शुरू में बता चुके, 3 दफे तो वो लेटर लिखे हैं, अब वीडियो भी जारी कर दी। जिन लोगों को नहीं मालूम वो तो बराबर संपर्क में है, संवाद कर रहे हैं, मुस्तकिल कर रहे हैं और कल भी उन्होंने इंजीन संकाय में जाके किया, आज वीडियो जारी किया। सर फिर क्लासे सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी? फिर शुरू हो गई आज काफी जगह, मेडिसिन संकाय में शुरू हो गई, इंजीनियरिंग संकाय में शुरू हो गई, सोशल साइंस संकाय में शुरू हो गई, आर्ट संकाय में शुरू हो गई, जो रह गई है वो कल शुरू हो गई और हम समझते हैं कि सामान्य स्थिति की तरफ विश्वविद्यालय लौट।